अभी ये जटवाड़ा पुल है। यस यस, जटवाड़ा पुल आ गया है। कहां से चिड़िया के फोटो खींचने में लगा भाई ये? मतलब भाई चिड़िया का फोटो शूट कर रहा है। मैंने बोला मेरी फोटो खींच दे भाई, ये ऐसा इंसान है मेरी फोटो मतलब नहीं खींच सकता है। पौधों की फोटो खींचने में लगाया अपने क्यूट क्यूट से छोटे 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 बच्चे हैं और इनके ये मम्मी पापा। भाई कुछ खाने के लिए नहीं दे रहे हैं हम, भाई हमारे पीछे मत आओ भाई। सो व्हाट्स अप मिस्टर जी, सो व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल। सो गाइस फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम शूटिंग दिस व्लॉग, बिकॉज भाई काफ़ी टाइम से यार ड्यू टू सम हेल्थ इशू आई एम नॉट एबल टू अपलोड द व्लॉग्स। तो भाई आप लोगों के काफ़ी अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे थे मुझे, मैं सारे भी स्क्रीन पर डाल दूँगा यार, कि आप लोग इतने अच्छे अच्छे मैसेज करते हो यार, जिससे वजह मुझे व्लॉग डालना ही पड़ा। सो भाई अब से हमारे चैनल पर जल्दी से जल्दी यार मैं कोशिश करूँगा यार व्लॉग डालने की। गाइस मेरे साथ जो जाने वाले हैं एक चिन्ह और एक और साहिल भी है, उसका कॉलेज मतलब अलग है, उसका कॉलेज ऋषिकेश में, बट वो जाएगा हमारे साथ ही यहाँ से ज्वालापुर तक या फिर शंकराश्रम तक, देखते हैं यार जहाँ तक भी जाएगा। आज तो वैसे आए नहीं है बट कल आएगा तो हम चलेंगे। वैसे तो मैं शाम को साहिल से मिलने वाला हूँ, पार्क जाने वाले हम। तो भाई चलते हैं आगे और कॉलेज और आपसे मिलते हैं आगे। सो गाइस राइट नाउ वी आर एट जटवाड़ा पुल और भाई यहीं पे आया था मैं छठ पूजा पे, यहीं पे मान आई थी आई उसने छठ पूजा। अभी ये जटवाड़ा पुल है। यस यस, जटवाड़ा पुल आ गया है। तो भाई ये भैया पता नहीं कौन थे बट खाली ब्लॉग में आना चाह रहे थे तो मैंने ले लिया। गाइस लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग आई लाइक्ड अबाउट हरिद्वार इज दैट गंगा रिवर, एवरीवेयर इज गंगा रिवर यार, हर जगह पे गंगा रिवर यार। यहाँ पे सबको दिखाता हूँ, जिधर भी जाओगे ना आपको गंगा रिवर एक जरूर मिलेगी हरिद्वार में। यही बेस्ट थिंग है हरिद्वार के बारे में कि आप जिधर भी निकलो आपको गंगा रिवर तो मिलेगी पक्का। इधर तो जैसे जटवाड़ा बोले तो इधर भी यहाँ पे एक गंगा रिवर है और आप आगे चले जाओगे तो आपको आगे भी एक गंगा रिवर मिलेगी। तो अच्छा लगता है यार गंगा रिवर के पास, एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। भाई अभी हमने जटवाड़ा पुल क्रॉस कर लिया है और अभी हम यहाँ से एक ऑटो लेने वाले हैं क्योंकि ऑटो से ही जाएंगे यार यहाँ से हाईवे से। पुकारे आजा वाला मीम लगा दो जरा डाला झपड़ा वो बहुत मन में गा दिया वो जो बोलता है तो आता सारा मूड खराब कर दिया। भाई आज हम काफ़ी दूर तक आ चुके हैं बट यार हमें कहीं ऑटो ही नहीं मिल रहा है। तूने ऑटो वाला को मना तो नहीं करा? नहीं यार मैं क्यों मना करूँगा, मुझे कुछ पूछना कोई कॉन्टेक्ट नहीं। भाई आज तो यार एक भी ऑटो वाला नहीं करा, एक तो सुबह का टाइम है, पता नहीं यार इन्हें भी आना चाहिए भाई, इन्हें भी कमाई करनी है तो कमाई करो भाई। कॉलेज जाने वाले बच्चे इस टाइम कॉलेज जाते हैं, क्या कर रहे हैं भाई ये लोग। ये आ गए ये वाले अंकल, ये तो सब्जी वाले ये तो सब्जी वाले अंकल निकले। बस फाइनली हम पहुंच चुके हैं कॉलेज के रास्ते पे और यहाँ से भी हम काफ़ी पैदल चल के जाना पड़ेगा यार, पता नहीं क्या है यहाँ से काफ़ी दूर तक हमें पैदल चल के जाना पड़ता है। अभी हम फाइनली कॉलेज पहुंच चुके हैं, कॉलेज के अंदर जाएंगे उसके बाद ऑफ, फिर उसके बाद ऑफ होने के बाद ही ब्लॉक करेंगे। भाई कॉलेज की छुट्टी हो रखी है और हम जा रहे हैं घर। सो भाई शाम हो चुकी है और मैं आ चुका हूँ साहिल के साथ पार्क जाने के लिए। तो भाई हम काफ़ी दिन बाद निकले घूमने के लिए और क्योंकि यार झूठ बोल रहा है, देखो कितना झूठ बोलता है भाई। नहीं सही बता रहा हूँ, काफ़ी टाइम बाद हम निकले घूमने के लिए, मतलब पार्क में काफ़ी टाइम बाद जा रहे हैं भाई। हाँ पार्क में तो काफ़ी टाइम बाद जा रहे हैं। हाँ तो भाई हम पार्क पहुँच चुके हैं। भाई शर्म आ रही यार पता नहीं क्यों, शर्म आ रही शर्मीला अबे जा शर्मीले। देखो भाई पार्क कितना पुराना हो गया कि इसका नाम भी मिट गया। भाई ये पार्क की हालत क्या हो गई, ये पार्क है भूत बंगला देख रहे हो, हॉन्टेड हाउस लग रहा है ना। क्या पार्क है भाई, देखो भाई हर जगह मतलब बिल्कुल सफाई नहीं हो रखी है ना। रुक जा इधर इधर आ,
देखो भाई यहाँ पे यार पार्क में तो मतलब लॉकडाउन के बाद ना यार पार्क की हालत बहुत ख़राब हो गई है, और मैं तो 2-3 महीनों से आया नहीं, तो भाई और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, कुछ है ही नहीं पार्क में। शक्तिमान, सस्ता शक्तिमान। सो गाइस राइट नाउ आई एम इन पार्क। मुझे लगा था यार कि एक्सीडेंट के बाद मेरी हालत ख़राब हुई थी, बट यहाँ तो यार पार्क की हालत ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है यार, कि यार लॉकडाउन के बाद यहाँ पे इतना कुछ है नहीं, यहाँ पे सफाई वफाई होती नहीं है यार, देखो हर जगह बस कबाड़ ही कबाड़ पड़ा है, और पता नहीं यार यहाँ पे सब ठीक कब होगा। मैं तो ठीक हो गया, बट देखते हैं यहाँ का क्या सीन है भाई। पार्क में इस टाइम कितनी सारी चिड़िया बैठी हैं, और क्वालिटी देख रहे हो तुम लोग, क्या आसमान लग रहा है भाई इस टाइम, एक नंबर सनसेट उधर, और भाई मस्त कितनी सारी चिड़िया बैठी हैं, मस्त लग रही है ना चिड़िया, मस्त लग रही है, बहुत सारी बड़ी बड़ी और टावर। और ये चिड़िया जा रही है, हम फिर डेली के लिए उड़ जाएंगे वहाँ पर, उड़ तेरे तो तोते उड़ जाएंगे वहाँ बैठ गया तो भाई, ये ना वहाँ बैठने के लिए कह रहा टावर पे, तेरे तोते उड़ जाएंगे ध्यान रखियो, तूड़े ना उड़े भाई। यहाँ पे अभी हम ना रील शूट कर रहे थे, और ये देखो फोटोग्राफर क्या कर रहे हैं, चिड़िया से चिड़िया के फोटो खींचने में लगा भाई है, मतलब भाई चिड़िया का फोटो शूट कर रहा है, मैंने बोला मेरी फोटो खींच दे, मेरी नहीं खींच रहा, मतलब चिड़िया की फोटो खींचना ज़्यादा ज़रूरी है। ओ भाई ये देखो भाई, ये ऐसा इंसान है मेरी फोटो मतलब नहीं खींच सकता है, पौधों की फोटो खींचने में लगाया है भाई, तो तेरे को कुछ दे रहा है, मैं भी वैसे तुझे कुछ दे नहीं रहा हूँ, बट लेकिन दोस्त है यार मेरा, फोटो खींच ले, मैं परेशान कर दिया इस लौंडे ने। तो भाई अभी हम चलते हैं बाहर, जाएंगे यार चाउमीन खाएंगे यार, क्यूट क्यूट से छोटे 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 बच्चे हैं, और इनके ये मम्मी पापा भाई कुछ खाने के लिए नहीं दे रहे हैं, भाई हमारे पीछे मत आओ भाई। सो गाइस आज के लिए बस, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को गाइस, और लाइक कर देना, वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट भी अच्छा करना, अच्छा तो भाई करना है।